हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों जी हां दोस्तों, मैं एक बार फिर से भदोही ज़िला के गोपीगंज मार्केट में हूं। दोस्तों जी हां दोस्तों, गोपीगंज मार्केट में मेन चौराहे की तरफ चल रहा हूं। जैसा कि आज छठ पूजा की तैयारियां चल रही है, 30 तारीख को छठ पूजा है, तो थोड़ा मैं आप सभी को गोपीगंज का नज़ारा दिखा देता हूँ कि छठ पूजा पर कैसी तैयारियाँ हैं। तो दोस्तों मैं इस समय हूँ मिर्ज़ापुर जाने वाली रोड के पास। तो देख सकते हैं जैसा कि इधर फल की बहुत सारी दुकानें लगाई गई हैं, कई प्रकार के फल दुकान लगाई गई हैं, जो फल भी खरीदा जाता है पूजा अर्चन करने के लिए छठ पूजा में, तो उसकी बहुत सारी दुकान लगाई गई हैं। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ गोपीगंज के मेन चौराहे पर, वहाँ पर जहाँ पर डलिया और सूप बिकता है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, सूप ऐसा माना जाता है कि सूप से ही पूजा अर्चन किया जाता है, सूर्यदेव की आरती उतारी जाती है सूपों में लेकर। आप सब देख पा रहे हैं गोपीगंज मार्केट का कुछ इस प्रकार नज़ारा है मेन चौराहे से, और देख सकते हैं एक माता जी अपने घर को ले जा रही हैं सूप खरीद के, जो पूजा अर्चन करेंगी। यह देख सकते हैं दोस्तों, जो बेचने वाले सूप हैं, डलिया बेचने वाले हैं मेरे भदोही में, दोस्तों इसे दौरी बोलते हैं, तो कितना भर गए थे, चारों तरफ उनके सिर्फ दौरी ही लगी है। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी भीड़ है इनकी दुकान पर, और बगल में भी दुकानों पर देखिए कितना सूप दौरियाँ रखी गई हैं। जैसा कि 30 तारीख को छठ पूजा है, तो उसकी तैयारियां चालू हो गई हैं लोगों के घर में। तो गोपीगंज का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। अब चलूँगा दोस्तों, मैं थोड़ा खरट्टी माहौल में नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर रोड की तरफ जाने वाली खरट्टी माहौल में रोड है, जो सिनेमा हॉल थी उसके बगल से जो रोड गई है, और वहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ पर लाइट कर लिए, थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा अंदर चलूँगा, थोड़ा वहाँ का व्यू दिखाऊँगा कि कैसी भीड़ है। आप सब देख पा रहे हैं कि रोडों पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए दोस्तों, खरट्टी माहौल का कुछ इस प्रकार नज़ारा है छठ पूजा की तैयारियों में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी छठ पूजा का नया वीडियो लेकर आऊँगा।